प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के खेमे पर नजर डाले तो इन दिनों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच सब कुछ ठीक ठाक चलता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में दिग्गी राजा के खंडवा दौरे के दौरान जब कुछ लोगों ने दिग्गी राजा के फिर से सीएम बनने को लेकर बात छेड़ी तो जवाब में दिग्गी राजा ने अरुण यादव की तरफ हाथ दिखाते हुए जो कहा वो अब कांग्रेस में नए सियासी समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। दिग्गी राजा के खंडवा दौरे के दौरान फिर से सीएम बनने की छिड़ी बात। दरगाह पर चादर चढ़ाते हुए समर्थकों ने कही फिर से सीएम बनने की। दिग्गी राजा ने अरुण यादव की तरफ दिखाया हाथ और बोले ये है नए लड़के। दिग्गी राजा के दिए संकेत नए सियासी समीकरण की तरफ कर रहे इशारा। दिग्विजय सिंह ने अपने खंडवा दौरे के दौरान इस बार मजाक मजाक में कुछ ऐसा कह दिया जिसने सियासी गलियारों में अब हलचल बढ़ा दी है। दरअसल खंडवा में एक दरगाह पर चादर चढ़ाने गए दिग्विजय सिंह के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव मौजूद थे। वहां लोगों ने दिग्विजय सिंह से दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए दुआ मांगने की अपील की तो उन्होंने अरुण यादव की तरफ हाथ दिखाते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसे अब कांग्रेस में नए सियासी समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। नए साहब के लिए दुआ करें फिर से मुख्यमंत्री बन गए। हमारे चलिए आप बात चलिए साहब बात निकले आ रहा है। चलो आप चलो चलो वही मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा जरा आप खुद ही सुनिए। उनके पास दूसरा कोई मामला ही नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिसाब किताब देते नहीं, हिजाब बीच में आ गया। अगर सरकार हमारी चलती तो पूरे कर्जे माफ हो जाते। तो ये तो दोष उन लोगों का है जो कांग्रेस से जीत के गए और धोखा देकर वहाँ चले गए। उन वो जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से आज किसानों के कर्जे माफ नहीं हो पाए। वो भी पक्ष में है, उमा भारती भी पक्ष में है, तो शिवराज जी को उनकी बात मानना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से सियासी गलियारों में चल रही उन चर्चाओं को हवा दे दी है जिनमें दिग्गी राजा और कमलनाथ के बीच सब कुछ ठीक ठाक न चलने की बात कही जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, खंडवा।